देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। जिलाधिकारी सबिन बंसल को शिकायत मिले के डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय में भर्ती कोरोना मरीजों द्वारा गुरुवार प्रातः फंगस लगी ब्रेड दी जा रही है। जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा वीरेंद्र बिष्ट को जांच करने हेतु एसटीएच भेजा। जिलाधिकारी के निर्देशों पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्री बिष्ट अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ एसटीएच पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों से वार्ता की व चिकित्सालय के किचन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किचन में बनाए जा रहे भोजन व उपलब्ध ब्रेड की जाँच व परीक्षण किया। निरीक्षण दौरान किचन में पेपर ब्रांड की ब्रेड पाई गई, जिसमें 3 अगस्त से पूर्व इस्तेमाल करने की तारीख लिखी हुई थी तथा किचन में फंगस लगी ब्रेड नहीं पाई गई। किचन संचालक देवकी नंदन द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन ताजी ब्रेड लाई जाती है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किचन की गहनता से निरीक्षण करने पर किचन की गंदगी पाई गई, जिस पर खाद्य अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 206 की धारा 27 और धारा 56 के तहत अर्थदंड संस्तुति पर अपर जिला अधिकारी को भेजा गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।